से प्लेयर लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारे मंच से संपर्क करना होगा।
सी बड़ा चिरू जो इस मैदान से काफी पहले से अवगत हैं और काफी अनुभवशील खिलाड़ियों से सुसज्जित है और अभी जो उनकी टीम दिख रही है काफी पुराने खिलाड़ियों के साथ इस मैदान पर आज डोमिसाइल एफसी के साथ अपना मैच को बनाए हुए हैं। मौसम आज थोड़े से गहरे हैं, चिलचिलाते धूप जिसके तापमान लगभग 35-38 के आसपास, इस चिलचिलाते धूप में भी खिलाड़ी काफी मेहनत के साथ अपने टीम को विजय दिलाने का प्रयास करते हुए डोमिसाइल एफसी के पास एबीसी ब्राजील के खिलाफ बढ़त हासिल करने का एक अच्छा मौका, पर थोड़ी सी तालमेल और दिशाहीन शॉट की वजह से या खिलाड़ी की चतुराई के कीपर की चतुराई की वजह से उन्हें गोल करने में असफलता। किक का मौका मिलता हुआ छू के डोमिसाइल एफसी के खिलाड़ी, मौका हो सकता था खिलाड़ीगण, आपसे अनुरोध है आप अपने खेल को बनाए रखें, मानवीय तरीका से अपने खेल का नजारा हमारे सामने रखें। खेल के दौरान आप किसी पर टीका टिप्पणी न करें, जिससे आपके अनुशासन की छवि धूमिल हो, इस तरह का कोई कार्य न करें। आप काफी मजे हुए खिलाड़ी हैं और अच्छा खिलाड़ी के तौर पर आपको जाने जाते हैं। आप अपने खेल को अच्छा तरीके से खेलने का ही प्रयास करें और अपना अनुशासन को बनाए रखते हुए खेलें। जैसे कि मैंने कहा, मैं आप सबों से पूर्व में ही कह चुका हूं कि इस कमेटी में अनुशासन के एक महत्वपूर्ण जगह होती है, जिसका हकदार होने के लिए आपको अपना अनुशासन बनाए रखने का जरूरत होगी। मध्यांतर के बाद का मैच चलता हुआ अब तक दोनों टीमों के बीच गोल रहित बराबरी का मैच चलता हुआ। इस मैच के बाद जो मैच होने वाली है
तो आज का जो आठवां मैच होगी उकुगुटो वर्सेस शाइनिंग स्टार केपीएस। मैच लगभग समाप्ति पर है। आप दोनों जो इस मैच के बाद खेलने वाली टीमें हैं, विशेष अनुरोध है आपसे कि आप दोनों मैच की समाप्ति के पूर्व ही लगभग अपने खिलाड़ियों को तैयार करें और फोर्थ रेफरी पैनल के पास मौजूद रखेंगे और वहां के अन्य प्रक्रियाओं से आप रूबरू होंगे। I'm not going to be able to do that.